हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ तंदूरी मशरूम मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तंदूर मशरूम मसाला खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही इजी वे में आज हम इसको घर पे बनाएंगे। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और घर पे बनाइए रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूर मशरूम मसाला। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम 16 से 17 यानी कि 250 से 300 ग्राम, तंदूरी मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, मेल्टेड बटर 1 टेबलस्पून, नमक अपने स्वादानुसार, लेमन जूस 1 टेबलस्पून या फिर हाफ लेमन, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, और चाहिए थोड़े से कटे हुए टमाटर, थोड़े से कटे हुए प्याज और कैप्सिकम। इन सारे पीसेस को बहुत ज्यादा बड़ा या फिर छोटे साइज में मत काटिए, मीडियम पीसेस में काट लीजिए। तो सबसे पहले हम मशरूम को बॉईल कर लेंगे और इसके लिए एक कढ़ाई या फिर सॉस पैन पे हम 2 बड़े कप पानी ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इस पानी में मशरूम को बॉईल होने के लिए डाल देंगे। कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और मशरूम को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बॉईल कर लेंगे। मशरूम को हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे क्योंकि इसको हमें लाइटली बॉईल करना है, फुल्ली बॉईल नहीं। मशरूम को गर्म पानी से निकाल लेने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे। मशरूम ठंडा हो जाने के बाद हम इसको अब मैरिनेट करेंगे और इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। नमक अपने स्वाद अनुसार और डालेंगे 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला पाउडर। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। मशरूम को 25 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेने के बाद हम ओवन को प्रीहीट कर लेंगे ग्रिल मोड पे। ओवन के प्रीहीट होने तक हम मशरूम को तंदूरी स्टिक पे प्लेस कर लेते हैं। मैं कैप्सिकम, टमाटर और प्याज के पीसेस को मसालों के साथ मिक्स करके ग्रिल करूंगी, पर आप चाहो तो इन सारे वेजेस को विदाउट मसाला भी ग्रिल कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब हम तंदूरी स्टिक पे मशरूम और वेजेस को लगा देंगे। सारे मशरूम और वेजिस को हमने सेट कर लिया है तंदूरी स्टिक पे। अब हम मशरूम को ग्रिल कर लेंगे प्रीहीटेड ओवन पे 10 मिनट के लिए। मैं यहाँ पे ग्रिल मोड का यूज कर रही हूँ, पर अगर आपके ओवन पे ग्रिल मोड ना हो तो आप कॉम्बिनेशन या फिर कॉन्वेक्शन मोड का भी यूज कर सकते हो, पर ओवन को प्रीहीट कर लेना एसेंशियल है। कोई भी मोड यूज कीजिए, पर मशरूम को ग्रिल करना है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मशरूम ग्रिल हो चुका है तो अब हम इसको एक बाउल पे निकाल लेंगे। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, पर फॉर बेटर टेस्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम,
और 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो चुका है टेस्टी तंदूर मशरूम मसाला। इसे गर्म गर्म सर्व कीजिए धनिया और पुदीने के हरे चटनी के साथ। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न करें, जल्दी से कर लें। थैंक यू।